देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ। अच्छा, जब मछली पकड़ना हो ना तो पहले कांटा लगाते हैं, फिर दाना डालते हैं, तब फंसती है मछली। मैंने भी ऐसा इंतजाम कर रखा था, जानता था मैं ये जीजा भाई जरूर आएगी हमसे उधार मांगने। अरे यहाँ नहीं आती तो और कहाँ जाती। अब तो बस उस भीमराव के फंसने का इंतजार है और उसके लिए जाल बनेगा ये जीजा भाई के द्वारा लिया गया कर्ज, उसके बाप की बीमारी, उसकी खुद की अपनी पढ़ाई लिखाई और चौल वालों के ताने। भीमराव इस बार मेरे बिछाए इस जाल को ऐसे काट नहीं पाओगे तुम। ऐसी कुछ तो बात है बाबा के बारे में जो जीजाबाई जी हमसे छुपा रही हैं। गलत कर रही है वो, ये मैं नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने देंगे आप? यही कि मेरे और मेरे बाबा के बीच किसी को आने नहीं दूंगा। बाबा है वो मेरे, जीजाबाई जी आज तक बाबा को लेकर हमसे लड़ती रही और मुझे लेकर बाबा से लड़ती रही, लेकिन अब नहीं। अब अगर मेरे और बाबा के बीच में वो आएंगी ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये मानता हूं कि बाबा उनके पति हैं, बाबा पर उनका भी हक है, लेकिन मेरा भी है। मैं उनके रिश्ते के बीच जाता हूं क्या तो वो क्यों आएगी हमारे बीच में? समझ रही हूं। समझ रही हो कि आपको बुरा लग रहा है, मगर क्या कर सकते हैं? कोई दूसरा होता तो जाकर लड़ सकते थे, कह सकते थे कि वो हमारे बाबा हैं, उनके बारे में जानने का हमें भी हक है, मगर वो तो आई है और बाबा की पत्नी भी है। अपने ही ऐसे कैसे लड़ेंगे, क्या समझाएंगे उन्हें? समझता हूँ मैं भी, मगर बाबा को कुछ हो जाता है ना तो किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता, परेशान हो जाता हूँ। तुम तो मेरे पति के साथ ज्यादा रही हो ना, तो तुम ही बता कैसे समझाऊं मैं अपने पति को, कैसे संभालू? बताओ कि कैसे समझाओ, परेशान होने से कुछ नहीं होगा और पापा को तो वैसे भी हम कुछ नहीं होने देंगे। और सवाल रहा एक, तो साजिश और फरेब की उम्र ही कितनी होती है, कुछ अंधेरी रहते? रात को आई कहां से आ रही है और ऐसे छुप छुप के क्यों जा रही थी? जाकर देखती हूं। मेरी बात भले ही मत मानी, कम से कम इस किताब की तो बात मान लीजिए। ठीक है,
नहीं होऊंगा परेशान। ठीक है। ये लीजिए कॉपी पेन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ाओगी? पहले कॉपी पेन तो खोलिए। बताओ। लिखिए पहला सवाल, पति को कैसे होना चाहिए? जवाब लिखिए, पति को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे कभी भी अपने पत्नी के सामने परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, पति का परेशान चेहरा उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लिखिए। रमा, तुम्हारी बातें कॉपी में नहीं हृदय में लिखनी चाहिए। वैसे तो हर पति को अपनी पत्नी के चाहत का लेखा जोखा हृदय में डायरी की तरह रखना चाहिए, इसलिए तुम बोलो, तुम्हारी बातें मैं मेरे हृदय में लिखता जाऊंगा। बोलो। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न हो, अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सो, प्रेम कहावे सो। यार, इसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? लक्ष्मी, तुम बाहर कपड़े लेने गई थी ना, कपड़े कहाँ हैं? आप ये रखिए, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। लक्ष्मी, ये इतने सारे पैसे कहाँ से हैं? बताती हूँ, सब बताती हूँ। दरअसल मैंने आई को बाहर से चौल में आते हुए देखा, और जब उनके पीछे गई तो ये देखा कि वो इन पैसों को छुपा कर रख रही थी, तो मैंने छुपके से वहां से पैसे ले लिए। ये क्या बकवास कर रही हो? मतलब ये पैसे चोरी किए? नहीं, ये पैसे हमें नहीं चाहिए। ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए हैं, बल्कि बाबा के लिए लिए हैं, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आई का सच सामने ला सकते हैं। वो सब ठीक है लक्ष्मी, लेकिन चोरी चोरी है,
कोई चोरी नहीं है। इन पैसों से मैं खुद के लिए कुछ नहीं करने वाली हूँ। नहीं, ये पैसे मैं लौटा कर आ रहा हूँ। अरे अभी मत जाइए, कल सुबह मैं इन पैसों को सही समय पर लौटा दूंगी। लक्ष्मी, ये पैसे मैं लौटा कर आ रहा हूँ। नहीं आनंद, लक्ष्मी का साथ दो, मैंने सब सुना, इसलिए बोल रही हूँ कि जीजाबाई का झूठ जल्द से जल्द सबके सामने आ जाए तो बहुत अच्छा है। आप परेशान मत होइए, जब इन पैसों को देने का सही समय आएगा तो मैं आई से माफी भी मांग लूंगी। इसी में तो रखा था। रमा, 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 जल्दी आओ यहाँ। इसमें मैंने पैसे रखे थे, कहाँ गए? पैसे? कौन से पैसे? मुझे नहीं मालूम। मैंने इसी डब्बे में पैसे रखे थे, कहाँ गए? मुझे पता है, तूने और तेरे पति ने चुराए ना? आई। कुछ भी मत बोलिएगा। आप कुछ देर के लिए मुझे चोर कहेंगे तो चलेगा, लेकिन मेरे पति के बारे में एक शब्द भी मत बोलिएगा। ए, ज़्यादा पति पति नहीं है, बस ये बता के इसमें से पैसे कहाँ गए? आई, आप क्या ढूंढ रही है और कैसे पैसे? कैसे पैसे क्या, कैसे पैसे? पैसे पैसे की तरह होते हैं ना। मेरे पैसे मैंने इसमें रखे थे, वो कहाँ गए? बाबा, बाबा क्या हो रहा है आपको? आनंद भैया, रमा जल्दी आ जाओ बाहर, बाबा को चक्कर आ रहा है। आइए बाबा, बाबा आइए जल्दी। बाबा यहां बैठिए, आइए। क्या हुआ आपको? हट जा। बाबा को चक्कर आ रहे थे और मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। अच्छे से इलाज कराना होगा, इलाज महंगा है, इसीलिए मैंने आपके बच्चों को कुछ नहीं बताया। मैं उन्हें बताती तो वो परेशान हो जाते, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हट जाओ सब, हट जाओ। अब मेरा ख्याल जीजाबाई रखेगी। भैया क्या क्या हुआ? बताओ जीजा भाई, क्या करना है? पैसे ढूंढने होंगे, क्योंकि इन्हें दवा देनी जरूरी है और जो दवा है वो बहुत महंगी है। मैं अभी आती हूँ। बाबा, बाबा आप अस्पताल चलिए ना, क्यों जिद कर रहा है? नहीं बेटा, अब मेरा इलाज सिर्फ मेरी पत्नी कराएगी। लक्ष्मी जाओ और भाई को पैसे दे दो। अभी आई। कहाँ चले गए पैसे? कौन से पैसे ढूंढ रही है आप? पहले बाबा को अस्पताल तो ले जाइए, वो डॉक्टर सिर्फ आप ही को सब कुछ बता रहे हैं और ऊपर से बाबा कह रहे हैं कि आप ही उनका इलाज कराएंगी, कुछ तो कीजिए। भीम तुम जाओ यहाँ से। अरे भैया आप मान क्यों नहीं रहे हो, चलिए ना अस्पताल। नहीं मीरा, अब बहुत हो गया। पहले जब मैं बीमार पड़ता था तो तुम सब लोग मुझे अस्पताल ले जाते थे, लेकिन अभी नहीं। अब जीजाबाई कर रही है तो उसे करने दो। जीजाबाई को समझाने का यही एक मौका है, उसे मैं गंवाना नहीं चाहता।
मैं पैसों के बिना नहीं जा सकती बाहर। पहले अस्पताल तो ले जाइए मेरे बाबा को, डॉक्टर पहले देखेंगे, फिर बताएंगे उन्हें क्या हुआ है, फिर दवाइयाँ देंगे, फिर पैसे लगेंगे ना। पहले ही क्यों पैसों के बारे में सोच रही हो आप? आई, जो भी करना है जल्दी कीजिए, नहीं तो बाबा की तबीयत और खराब हो जाएगी। जीजा भाई, अस्पताल नहीं ले चलोगी, दवा नहीं दिलाओगी, अरे मारना चाहती हो क्या मुझे? ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा क्यों सोचूंगी मैं? अरे तो अस्पताल ले जा, अंदर क्या ढूंढ रही है? पैसे ढूंढ रही हूँ। इन्हें अस्पताल की नहीं, दवाई की जरूरत है। दवाई महंगी है, इसलिए कल रात में पैसे लेकर आई थी, लेकिन जहाँ मैंने पैसे रखे थे वहाँ अभी नहीं है। पूरा घर छान मारा मैंने, लगता है किसी ने चुरा ली। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? पैसे ले आई थी, चोरी हो गया, ये क्या बकबक कर रही है तू? आई सही बोल रही है। ये पैसे मैंने लिए थे। इतने पैसे? हिम्मत कैसे हुई तेरी ये करने की? और चुराए लिए तो वापस क्यों दे रही है? ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि अब क्या झूठ बोल रही है। लक्ष्मी छोड़ो ये सब, आई आप जाइए और बाबा की दवा लेकर आइए, अब हम आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। क्योंकि हम सब जान चुके हैं कि बाबा की हालत बहुत गंभीर है और इनकी दवाइयां भी बहुत महंगी होंगी, इसलिए आप जाइए और हर दवा लेकर आइए। मैं दवा लेकर आती हूँ इन पैसों से। रुको जीजा भाई, ये पैसे कहां से आए? वो आपके इलाज के लिए जरूरी थे। मेरा सवाल ये नहीं, सवाल ये है पैसे कहां से आए? मैंने जमा किए थे। जमा किए थे तुमने? भाई ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि तुम इतने पैसे जमा नहीं कर सकती, तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो बता? अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो दवा तो क्या, तुम्हारे हाथों से पानी तक नहीं पीऊंगा। वो कुछ सूझा नहीं तो एकनाथ जी के यहां से प्याज पर ले आई हूं कल रात को। जीजा भाई, अरे देखो और सभी सीखो, अरे पत्नी हो तो ऐसी,
राम जी तू अब भी सोच, तेरी पत्नी तुझसे कितना प्यार करती है और तू भीम भीम करता रहता है। अरे तुझे तो तेरी पत्नी को धन्यवाद कहना चाहिए और साथ में हमें भी, हमने तेरी मदद जो की है।